Assalamu alaikum, welcome to Sheen's Life and I am one and only yours of Sheen. तो आज की वीडियो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये होने वाली है उस एक्सपीरियंस पे जो मैंने लास्ट वीक सीखा या जो भी कुछ लेंसेज से रिलेटेड मैंने लास्ट वीक सीखा, तो वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. मुझे लगता था मैं अपने लेंसेज बहुत सही से वॉश करती हूँ. अगर किसी को नहीं पता कि मैं पर्टिकुलरली लेंसेज के बारे में क्यों बात कर रही हूँ और क्या हुआ था, तो जी लेंसेज की वजह से मुझे इरिटेशन हो गई थी और आई इन्फेक्शन हो गया था. आप यहाँ पे आई बटन पे वो वीडियो देख सकते हैं. आई हैव एन वीडियो क्योंकि मैं उस दिन आउटडोर शूट कर रही थी जिस दिन मुझे आई इन्फेक्शन हुआ, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं. या फिर एक काम करते हैं, जल्दी से रिकैप लेके आते हैं कि हुआ क्या था. हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं, ऐसे जल रहे हैं, पानी नहीं रुक रहा है, सीन में भी नहीं रुका. हाँ जी, तो देख लिया ये हुआ था और उसके बाद ये होता गया था और मेरी आँख काफ़ी सूज गई थी. इवन मुझे देखने में भी इश्यूज हो रहे थे. उसके बाद जैसे जैसे बेहतर हुई, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट लेंसेज एंड फाइनली मुझे पता चला कि मैं अपनी आँखों की और अपनी लेंसेज की अच्छे से केयर नहीं कर रही हूँ, जिसकी वजह से वो ये हुआ. और मुझे इतना लंबा नोट मिला, ज़रूरी हिदायत, खसूसी हिदायत, इम्पॉर्टेंट टिप्स, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि अपने लेंसेज का आप किस तरह से ख्याल रख सकते हैं कि आपको आई इन्फेक्शन ना हो, बिकॉज इट वॉज रियली पेनफुल. अच्छा, मैं यहाँ पे कोई भी, ये मैंने लेंसेज लिए थे जिससे मुझे इरिटेशन हुई, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी को रिकमेंड या बुरा नहीं बोल रही, क्योंकि ये लेंसेज मैं लास्ट ईयर 2019 से लगा रही हूँ. मुझे कोई इरिटेशन नहीं हुई थी इसका, मैंने सही से वॉश नहीं किया और प्रॉपर केयर नहीं की, इस वजह से मुझे आई इन्फेक्शन हुआ था. आप कोई भी लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, आप 3000 वाले भी यूज़ कर सकते हैं, आप 1800 वाले भी यूज़, दैट्स माई पैरेंट, आप 3000 वाले लेंसेज भी यूज़ कर सकते हैं, आप 1000 रुपये वाले लेंसेज भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको इरिटेशन होनी है और आपने सही केयर नहीं की है, तो आपको इरिटेशन होनी ही होनी है. तो इस लेंसेज पे जो है एक्सपायरी लिखी हुई थी 2027, तो ये एक्सपायरी जब तक है जब तक आप इसको ओपन ना करें. वंस यू ओपन इट, आप सिर्फ लेंस को एक साल यूज़ कर सकते हैं. वैसे तो बेहतर है कि एक साल भी यूज़ ना करें, आप उसको 6 to 8 months में चेंज कर लें, क्योंकि हम लोग इतना लेंस लगाते हैं. एक्चुअली मैं ओकेजनली लेंस लगाती हूँ, मैं इतना ज़्यादा लेंस नहीं लगाती थी, तो इसलिए मुझे लगता था यार अभी मैंने ये सिर्फ 4-5 बार तो यूज़ किए हैं, लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है वो काउंट हो रहा होता है. दूसरा, मैं सबसे गलत चीज़ क्या करती थी, मैं उसको सही से वॉश नहीं करती थी. इसको वॉश करने का भी एक पूरा प्रोसेस है. तो इसको वॉश करने का क्या प्रोसेस है कि आपने अपना लेंस हाथ पे लेना है इसका. अच्छा, लुब्रिकेट के भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, आपको जो समझ आता है वो ले सकते हैं. इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा लेते हैं कौन सा नहीं लेते, ये मुझे लेंस के साथ आया था तो अभी हम इसी से बता देती हूँ. आपने अपने, सबसे पहले आपने अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोने, उसके बाद अपने अपने हाथ जो है एयर ड्राई करने, किसी भी चीज़ से आपने अपने हाथ जो है खुश्क नहीं करने ताकि उसके जर्म्स आपके हाथ पे ना लगे. दूसरा ये है कि हम पानी निकल रहा है इसमें से, खैर आपने अपने हाथ जो है एयर ड्राई कर लिए और आपने हाथ धोने के बाद फिर किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है सिवाय लेंसेस के. फिर आपने लेंसेस को अपनी पाम के बीच में रखना है, इसमें से जितना सोल्यूशन आपके लेंसेज में जाता है आपने उसको डालना है और आपने लेंसेज को जेंटली अपने ये फिंगर पॉइंट से इसको जेंटली आपने ऐसे रब करना है. कोई फोर्स नहीं देनी, कुछ नहीं करना, बिल्कुल जेंटली करना है. अगर आप फोर्स देंगे तो वो क्रैक हो सकता है, अगर आप नेल्स से करेंगे तो उसके बीच में टेयर अप हो सकता है वो. तो बिल्कुल जेंटली अपने फिंगर टिप से उसको रब करना है दोनों साइड से, देन आपने उसको वापस से लेंस बॉक्स में डालना है. अब ये लेंस जब बॉक्स, जब आप लेंसेज, इसकी भी प्रॉपर केयर होती है या आप ये बॉक्स
3 months में एक्सपायर हो जाता है, जो कि मुझे नहीं पता था. लाइक 3 महीने के बाद आपको शॉप पे जाना पड़ता है, आप अपने लेंसेज क्लीन कराते हैं, आप नया बॉक्स लेते हैं, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी. तो आफ्टर एवरी 3 months आप इस बॉक्स को डिस्कार्ड कर दें और आप न्यू बॉक्स लें, या फिर आप आई शॉप से, किसी भी आई शॉप पे, अगर आप कराची में रहते हैं तो शरफाबाद पे बहुत हैं, खड्डा मार्केट पे बहुत हैं, बहुत सारी आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज की शॉप्स मिल जाएंगी. तो इसको आप या तो 3 महीने बाद डिस्कार्ड कर दें, या फिर आप किसी भी शॉप से अपने लेंसेज को जो है वॉश करवा लें, ताकि उसमें अगर आपसे कुछ रह गया तो वो सारे पार्टिकल्स वगैरह वो सही से वॉश कर दें और वो आपको नया बॉक्स भी दे देंगे. वैसे भी हम जो लुब्रिकेट यूज़ करते हैं वो हम इतना यूज़ कर लेते हैं, हमें हर 1-2 महीने बाद ये बॉटल और चाहिए होती है. तो जब भी इसको लेने जाएं तब आप साथ में न्यू बॉक्स ले सकते हैं. अच्छा, अब हम लुब्रिकेट का पानी कैसे चेंज करेंगे? तो हम इस तरह चेंज करेंगे कि पहले हमने जब ये लेंसेज खोले, अच्छा इतना सब होने के बाद भी मैं नए लेंसेज लेकर आई हूँ, हिम्मत. तो ये अभी मैं नहीं लगा सकती, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं फिर लगाऊंगी. तो अब करना ये है, जब आप इसको खोलें तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है आपने वो बॉक्स में नहीं डालना है, आपने इसमें नया लुब्रिकेट डालना है और उसके अंदर लेंसेज डालने, इस वाले लुब्रिकेट को आपने डिस्कार्ड कर देना है. फिर अगर आपने 1 दिन बाद लेंसेज लगाने, आपको पता है कि कल मुझे लेंसेज पहनने, तो आप अपने लेंसेज का वाटर जो है एक रात पहले चेंज कर दें, ताकि जो भी पुराना वाला वाटर है उसमें जितना भी इन्फेक्टेड है या जो आपने लगाए हों वो निकल जाए. आप वॉश करें और इसके अंदर नया लुब्रिकेट डालें और उस लेंसेज को डाल दें. एटलीस्ट 6 to 8 hours वो इस नए वाटर में रहेंगे और नेक्स्ट डे आप लगा लें. नेक्स्ट डे आप लगाने के बाद भी जब आप वो लेंसेज उतारें तो आपने जो पुराना पिछली रात वाला पानी था वो फेंक देना है और उसमें नया पानी डालना है, क्योंकि वो पिछली रात का इन्फेक्टेड पानी था. तो आपने नए वाटर के साथ फिर उस लेंसेज को उतार के रखना है. अब जब आप लेंसेज वॉश कर रहे हैं, आपको ये केस भी वॉश करना है. ये केस आपने कैसे वॉश करना है? कोई पानी से, नॉर्मल पानी से नहीं वॉश करना, ये भी इसी लुब्रिकेट से वॉश होगा. इसमें जो ऑलरेडी पड़ा है पहले आप उसको फिंगर से अच्छी तरह रब करके निकाल दें, फिर आप उसमें दूसरा लुब्रिकेट डालें एंड देन वॉश इट अगेन. और फिर इसको भी एयर ड्राई करना है, कोई टिश्यू, कोई टावल, किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ को ड्राई नहीं करना है, हर चीज़ एयर ड्राई होगी. ठीक है जी, उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? अच्छा, अगर आपके लेंसेज में ये मुझे दिया था, जो मैं नए लेंसेज लाई हूँ उसके साथ मुझे मिला है कम्फर्ट ड्रॉप. अगर आपके लेंसेज लगाने के बाद अगर आपको इरिटेशन हो रही है, तो सबसे पहला काम तो ये करें कि आप अपने लेंसेज उतार दें. सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है. भले चले अगर आपको लगाने हैं, कोई मजबूरी है कि भाई इवेंट में पूरा टाइम लगाने हैं, तो आप फिर भी 10-15 मिनट के लिए उसे उतार दें, सॉल्यूशन में डाल कर रखें एंड फिर अलग लगा लें. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लगा रहे होते हैं, हमारे कोई हाथ गंदे होते हैं या कुछ भी होता है, तो वो हमारी आईज़ में इरिटेट करना शुरू कर देते हैं. अगर अभी उस वक्त नहीं उतार सकते, जैसे कि मैं नहीं उतार सकती थी, आई ऑलरेडी श्योर्ड कि मैं क्यों नहीं उतार सकती थी, तो ये उन्होंने मुझे दिया है कम्फर्ट ड्रॉप. इसकी जगह अगर ये नहीं है आपके पास तो आप क्यूरिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, 2 ड्रॉप डाल दें. क्यूरिन जो है वो बहुत आपकी रेडनेस कम करेगा. अगर कोई पफीनेस आ रही है तो मैंने उस दिन पूरा दिन क्यूरिन पे चली थी, तो मुझे क्यूरिन ने उस दिन बहुत हेल्प की थी और अब मुझे ये मिल गया है. अच्छा, इस केस में क्या है, एक में राइट होता है, एक में लेफ्ट होता है. ये राइट और लेफ्ट जो है वो हमारे लिए नहीं होता, मतलब मेरे चश्मे नहीं लगे हुए ना, तो ये राइट और लेफ्ट उनके लिए होता है जिनका आई साइट के कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं, कि भाई आपकी सीधे आँख का ये नंबर है और आपकी लेफ्ट आई का ये नंबर है, तो ये उनके लिए है. जो नॉर्मल सॉफ्ट लेंसेज यूज़ करते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी आँख में कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या उनको इतना कॉन्शियस रहने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पहले कौन सा उतारा और दूसरा कौन सा उतारा. अगर आप नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको लग रहा है आपके लेंसेज सही हैं कि क्यों डिस्कार्ड करने हैं, तो आप पहनते रहें. लेकिन जिस वक्त फर्स्ट टाइम आपको
आपके सही लेंस इरिटेट करना शुरू करें, दैट्स द हिंट कि अब ये लेंसेज आपको डिस्कार्ड कर देने चाहिए। जब आपका लेंस जो है ड्राई हो जाता है, वो अपनी एक्चुअल शेप से जो है वो छोटा हो जाता है। जब आप उसमें दोबारा लुब्रिकेट डाल के दें, अगर वो एक्चुअल साइज में भी आता है तो उसके जो एजेस होते हैं वो हार्श हो जाते हैं। तो अगर आप बॉक्स में लुब्रिकेट डालना भूल गए हैं या आपका लेंस ड्राई आउट हो गया है, तो प्लीज़ डिस्कार्ड दें उसको, अपनी आंख में ना लगाएं। और अगर आप लगा भी रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अगर वो इरीटेट कर रहा है तो उसे उसी वक्त उतार दें। आंखें बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी का हिस्सा है, तो इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा है, तो इसे बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत है। तो इसकी सही से केयर करें ताकि आप लोग फैशन भी कर सकें और उस इवेंट को इंजॉय भी कर सकें और आपको कोई पेन भी ना हो। हेल्दी वे में आप उस इवेंट को या उस टाइम को इंजॉय करें। तो होप यू लाइक ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड ये आपके लिए भी यूज़फुल होगी। और दूसरी बात, आप अपने लेंसेज किस तरह क्लीन करते हैं या ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने इस वीडियो में मिस कर दी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक इट, गिव कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब, जो मैं हर बार बोलती हूँ, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप शीन लाइफ की फैमिली का पार्ट बन जाए और हम लोग ऐसे ही वीकली बेस पर मिलते रहें। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।